KSSB. Hi, hi. We want justice. We want justice. We want justice. काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी। एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो। आला तालीम जुर्म नहीं, जुर्म नहीं। आला तालीम जुर्म नहीं, जुर्म नहीं। आला तालीम जुर्म नहीं, जुर्म नहीं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हाँ जी सर, मेरा नाम नईम अहमद है, मैं पटन से हूँ और हम सब यहाँ पे जो जे के एस एस बी क्लास फोर्थ एक्सपीरियंस है जिन्होंने रिसेंटली जो है इसका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मेरिट में आ गई। तो जब अब मेरिट में आ गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी हो गई, तो अब जो है एस एस बी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि आप विड्रा करो और अगर आपने 22 सितंबर तक विड्रा नहीं किया तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके खिलाफ हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है और हम जो है हमें ये बताया जाता है कि आप हाई क्वालिफाइड हो, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और आज के डेट में जे के एस एस बी नई टर्म इस्तेमाल कर रहा है फ्रेश ग्रेजुएट्स। जब फ्रेश ग्रेजुएट्स एलिजिबल है तो आज से 4 साल पहले 8 साल पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन की है तो वो क्यों इनएलिजिबल है? या 2008 से अगर आप रिक्रूटमेंट करते आ रहे हो क्लास फोर्थ के लिए तो वहाँ पर कोई ऐसा प्रोफार्मा नहीं है जहाँ पर आप हाई क्वालिफाइड को बाहर कर रहे हो, तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है? हम तकरीबन 6-7 हज़ार का लिस्ट आ गया, उसमें 75% जो है हाई क्वालिफाइड है। लास्ट में डिमांड यही है हमें कि हमारे साथ ये नाइंसाफी नहीं की जाए, हमें इसे एलिमिनेट नहीं किया जाए। ये हमारा हक है, हमारा कानूनी हक है और हम इसको दे दिया जाए। वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, हम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पार्लियामेंट तक जाएंगे।